अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हम यहाँ पर बनाने आए व्लॉग। तो गाइस जो मैंने उस बार आपको स्कूल दिखाया था ये वो था स्कूल जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था। अब हम आगे चलते हैं हमारे गांव की कुछ खेतें मैं वो आपको दिखाता हूँ, और हमारे पास एक किला है मैं वही आपको दिखाता हूँ जहाँ पर बड़े बड़े जानवर रोते हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। गाइस ये हमारे गांव की कुछ खेतें हैं। तो गाइस वो है स्कूल जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, पीछे का नज़र आप देख लें। मैं वापस लौटूंगा तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगा अच्छी तरह से। तो गाइस हम आगे चलते हैं अभी। तो गाइस ये जो कपास का फसल आप देख रहे हैं अब इसकी कटाई हो गई है, लेकिन इसको सुखाने के लिए रख दिया है। जब ये सूख जाएंगी तो इसको जलाया जाएगा। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कहीं रात ना हो जाए, लेकिन रात हो जाएगी क्योंकि हम देर से आए हैं। हर बार हम देर से आते हैं, लेट आते हैं तो शाम बहुत हो जाती है, सूरज भी ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। हम चलेंगे उस कोट की तरफ जो आप कोट देख रहे हो, इससे नहीं दिख रहा होगा, हम आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। लेकिन अगर शाम हो गई तो रात हो जाएगी, फिर पता नहीं दिखा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मुझे भी घर जाना है क्योंकि बहुत रात हो जाएगी। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है जहाँ डर तो लगेगा हमें। तो गाइस हम आगे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, बहुत ही दूर है वो किला जो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम जा रहे हैं फिर भी आपको दिखाना है, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइबर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गाइस ये किला मैं दूर से जूम करके आपको दिखाया है क्योंकि हम इसके पास जाएंगे तो हमें रात हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही दूर है, लेकिन मैं आस्ता आस्ता इसके करीब जाता हूं कि आपको सही तरह से नज़र आए। इंशाल्लाह मैं कल आऊँगा, ये किला मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो गाइस यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन जूम बहुत किया है मैंने, इंशाल्लाह कल मैं सवेरा आऊँगा आपको ज़रूर दिखा। तो भाई